हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल MLM राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, ज़बरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। तो दोस्तों, आज फिर से बात करने वाले हैं BTC के बारे में कि BTC का प्राइस जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड की तरफ नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए कि सर एक बार BTC प्रेडिक्शन के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर BTC का करंट प्राइस की बात करूँ तो $42,486 प्राइस अभी चल रहा है, 225% ग्रोथ पे दिखा रहा है। तो BTC के प्राइस को यहां पर मैं देखता हूं, तो अभी मैंने सबसे पहले दोस्तों यहां पर चार्ट ओपन किया है 15 मिनट का, आप ये देख सकते हैं। और ये जो चार्ट मैंने ओपन किया दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किया हुआ है। अगर आपको अभी भी ट्रेडिंग व्यू चलाना नहीं आता तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट बनाए थे, जहाँ पर सारे इंडिकेटर्स प्रेडिक्शन करना मैंने सिखाया था आपको, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट में मैंने ओपन किया, तो 15 मिनट के चार्ट में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमें एक नज़र आ रहा। तो चलिए इसको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ से दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया, और ट्रेंड लाइन लगा के इसको मैं एक बार ये देखिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम पीछे ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो प्राइस है अभी कहाँ से क्या मोमेंट कर रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके आज पूरी सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो ये लीजिए प्राइस, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों प्राइस जो है डाउन ट्रेंड जाता नजर आया, यानी कि 15 मिनट की मैं बात करूँ तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ से ब्रेक हुआ, और यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस लेवल था लेकिन यही ब्रेक हुआ, और यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया इसने, यानी कि जो अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो था 42,500 एंड 42,200 जो था यहाँ पर, ये सपोर्ट लेवल था। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो 41,900 या 41,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बात करूं कि अगर यहां से प्राइस 42,100 ब्रेक करता तो प्राइस डेफिनेटली दोस्तों हमें जो 41,500 तक नज़र आ सकता है, एंड देन अगर 41,500 ब्रेक करता तो $39,500 तक भी नज़र आ सकता है। लेकिन यहां पर चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 42,100 एंड 41,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, 42,500 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, लेकिन यहाँ पर अभी ये मूव करता नज़र आ रहा है। तो ये दोस्तों 15 मिनट का चार्ट था अभी, और इसको मैं चलिए अभी 1 आवर के चार्ट पे कर लेता हूँ ताकि समझने में और आसानी हो जाए। तो 1 आवर के चार्ट में मैं अगर देखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे डाउन ट्रेंड समझ नज़र आया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि BTC का प्राइस अगर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई अब ट्रेंड वाले इसको ब्रेक अगर करता तो प्राइस कहाँ तक जा सकता, और अगर इसको ब्रेक करता तो प्राइस कहाँ तक जा सकता। तो जैसे मैंने बताया था कि प्राइस ये अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन जो हमारी यहाँ पर है इसको अगर ब्रेक करता तो प्राइस दोस्तों कहाँ तक जा सकता है ये आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं बात करूँ, एक मिनट इसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ये देखिए। तो प्राइस दोस्तों अगर यहाँ से ब्रेक करता तो हमें सबसे पहले प्राइस दोस्तों $41,700 के समथिंग प्राइस देखने के लिए मिल सकता है अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है। एंड देन दोस्तों मैं बात करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो $40,500 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोबारा से दोस्तों, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है ये वाला, ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है जो कि $40,500 बनता है, यानी कि $41,500 से $40,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है। लेकिन यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से बैक करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी कि 1 आवर का जो कैंडल्स है वो देखिए यहाँ पर बुल कैंडल हमें बनता नज़र आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो है कैंडल जो क्लोज हुआ था दोस्तों बुल कैंडल क्लोज हुआ था, एंड सेकंड बुल कैंडल यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है हमें। और तो यहाँ पर उसको मैं अभी 4 आवर के चार्ट पर लेकर चलता हूँ ताकि और समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो 4 आवर चार्ट पर मैं लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे 4 आवर चार्ट को मैंने ओपन किया, तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये हम देखेंगे कि इसको एक मिनट सॉरी ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है एक ये जो प्राइस रहा यानी कि 41,500 या इसके ऊपर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा प्राइस था यानी कि $42,000 समथिंग जो प्राइस था, यहाँ से हर बार हमें एक अप ट्रेंड की तरफ नज़र आया, यानी कि जब भी यहाँ पे यहाँ तक प्राइस आया तो यहाँ से हमें बैक होता नज़र आया। तो आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर प्राइस आया था तो हमें यहाँ पे बैक नज़र आया था, यहाँ पे प्राइस फिर से आया था तो बैक नज़र आया था, यहाँ पर प्राइस फिर से आया था तो हमें बैक नज़र आया था, यहाँ पर प्राइस आया था तो फिर से बैक नज़र आया था। अब फिर से ये प्राइस दोस्तों यहीं पर टच कर रहा है, तो हमसे फिर से उम्मीद कर सकते कि प्राइस यहाँ पर हमें जाता नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप पीछे से देख सकते हैं डाटा कि यहाँ प्राइस जब आया था दोस्तों फिर से अप ट्रेंड नज़र आया था, यहाँ नज़र आया था फिर से अप ट्रेंड नज़र आया था, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया था अप ट्रेंड नज़र आया था, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया था अप ट्रेंड नज़र आया था, और फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे फिर से हमें अप ट्रेंड नज़र आ सकता है। यानी कि अगर 42,500 से यहाँ से अगर बैक लेता है तो प्राइस दोस्तों $43,500 तक हमें नज़र आ सकता है।
और अगर 43,500 डॉलर यहाँ पे होल्ड करता है प्राइस, तो दोस्तों प्राइस हमें फिर से यहाँ से इस तरीके से जाता नज़र आ सकता है। यानी कि 43,500 डॉलर में यहाँ पर अगर ये होल्ड करता तो प्राइस दोस्तों हमें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राइस हमें सबसे पहले जो है यहाँ पर 44,500 डॉलर समथिंग नज़र आ सकता है, देन 47,100 डॉलर नज़र आ सकता है। यानी कि 44,500 47,000 का समथिंग नज़र आ सकता है अगर प्राइस 43,500 डॉलर को होल्ड करता है। और अगर अदरवाइज होल्ड नहीं करता है, जिस तरीके से मैंने बताया कि डाउन ट्रेंड में नजर आता, तो प्राइस हमें 40,500 डॉलर से लेके, यानी कि 41,500 डॉलर से लेके 40,500 डॉलर नज़र आ सकता है। तो आपने यहाँ पर नज़र रखनी है, ये जो यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाई मैंने, इस पर आपने नज़र रखनी है और इसको आपने देखते रहना। यानी कि 4 आवर चार्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए हमें बियरिश कैंडल बनता नजर आ रहा है, लेकिन मैं अगर 1 आवर चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पर हमें बुल कैंडल बनता नजर आ रहा है। ये देखिए बियरिश कैंडल अभी यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। तो अगर ये डाउन ट्रेंड यानी कि यहाँ से अगर प्राइस दोस्तों नीचे नजर आता तो हमें 41,500 से लेकर 40,500 डॉलर तक नज़र आ सकता है, लेकिन यहाँ से चांसेस जो है वो अप ट्रेंड के नज़र आ सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जितनी बार भी यहाँ पर सपोर्ट लिया है बीटीसी ने, उतनी बार यहाँ पर हमें, ये देखिए पीछे से भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दोस्तों एक मिनट रुकिए, ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ। ये लीजिए हमारा अभी जो प्राइस चल रहा है, ये प्राइस चल रहा है। मैं अगर पीछे से लेकर चलूँ तो यहाँ पर पीछे से भी आप देखेंगे दोस्तों जितनी बार भी ये सपोर्ट बना है, देखिए यहाँ सपोर्ट बना था दोस्तों, यहाँ पे अप ट्रेंड नज़र आया था, यहाँ सपोर्ट बना था, यहाँ पे अप ट्रेंड नज़र आया था, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक हुआ था, और यहाँ पर जब यूक्रेन का वो हुआ था तो यहाँ पर प्राइस हमें खतरनाक सा नीचे देखने के लिए मिला था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ सपोर्ट बना था, अच्छा खासा ट्रेंड मिला, यहाँ सपोर्ट बना, अच्छा खासा ट्रेंड हमें फिर से मिला, यहाँ सपोर्ट बना दोस्तों, फिर से यहाँ पर हमें अप ट्रेंड नज़र आया था, यहाँ सपोर्ट बना था, लेकिन यहाँ से अप ट्रेंड नज़र नहीं आया था क्योंकि यहाँ ये सारा क्रेश हुआ था मार्केट। लेकिन यहां पर हम देखेंगे दोस्तों कि यहां सपोर्ट बना था, फिर से हमें ट्रेंड नजर आया था। अब ये सेम सिचुएशन, यानी कि प्राइस जब यहाँ होल्ड किया तो प्राइस दोस्तों इस तरीके से गया था ये, अब प्राइस फिर से यहाँ पे होल्ड कर रहा तो प्राइस दोस्तों उम्मीद यहाँ हमें प्राइस की उम्मीद लगा सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे फिर से नज़र आ सकता है। यानी कि जैसे मैंने बताया कि 43,500 डॉलर का प्राइस अगर होल्ड करती है तो दोस्तों प्राइस हमें 47,000 डॉलर तक जाता हुआ फिर से नज़र आ सकता है। तो शॉर्ट सेल में बहुत कम ट्रेड ले, लॉन्ग ट्रेड में हम लोग ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कि मैंने लिखा कि ट्रेड अभी जो है स्टॉप कर दे, बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं कि सर क्या स्टॉप कर दे ट्रेड अभी, तो भाई साहब जो बिना सीख के कर रहे हैं वो तो स्टॉप ही कर दे, लेकिन जो सीख के कर रहे हैं वो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। मेरे हिसाब से रिस्क आपका दोस्तों, लॉस आपका, प्रॉफिट आपका, क्योंकि यहाँ पे जे एंट्री जोन बन सकता है, और अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो दोस्तों उस टाइम फिर हमें जो है एंट्री की मैं बात करूँगा जैसे, तो प्राइस का जो एंट्री है वो 41,500 डॉलर पे एंट्री आप ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं तो 41,500 डॉलर, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ी 30% की एंट्री आप ले सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म में एंट्री लेना चाह रहे हैं तो। और जो बिना सीखे कर रहे तो दोस्तों वो तो स्टॉप रखे, क्योंकि अभी जो है मोमेंट ऐसा है कि यहाँ से प्राइस नीचे भी गिर सकता है और प्राइस यहाँ से इस तरीके से भी उठ सकता, लेकिन मैं बात करूँ तो 99% से जो चांसेस है वो पंप के चांसेस है, 1% चांस है कि यहाँ से डंप ले सकता है। तो इसी तरीके से दोस्तों सीखते रहे, अगली वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आ रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग से किस तरीके से आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।